नमस्कार दोस्तों दोस्तों 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस आ गया है। आपको, आपके पूरे परिवार को और भारत के हर एक नागरिक को मेरे तरफ से और मास्टर मंत्रा के तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। भगवान करे कि हमारा देश ऐसे ही तरक्की करता रहे, ऐसे ही विकास करता रहे, भारत का हर एक नागरिक खुश रहे। दोस्तों 26 जनवरी को हम लोग बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं, अपने स्कूल कॉलेज या ऑफिस जाते हैं। हो सकता है हम लोग रास्ते में एक झंडा खरीद लेते हैं और सेलिब्रेट करने के बाद जब हम लोग दोपहर को या शाम को घर आते हैं तो अक्सर मुझे देखने को मिलता है, आपने भी देखा होगा, कि सड़कों पर, नालियों में, कूड़े पर वो तिरंगा जो 1, 2, 4 या 5 रुपए का हम लोग रोड पर खरीदते हैं या फिर जो लोग भी खरीदते हैं उन्हें फेंक देते हैं। दोस्तों ये देखकर बहुत दुख होता है कि जिनके बारे में हम अपने कॉलेज ऑफिस में भाषण देकर आते हैं, भाषण सुनकर आते हैं, जिनके गाने सुनते हैं और जिनकी जान गई है उस झंडे के लिए, उसी झंडे को हम लोग कूड़े में फेंक देते हैं। दोस्तों वो झंडा हमारी शान है, हमारा अभिमान है, हमारी पहचान है। उस झंडे पर लाखों करोड़ों जाने गई हैं और रोज जाने जाती है उस झंडे के स्वाभिमान को बचाने के लिए। उस पर बहुत सारे सैनिक उस झंडे के स्वाभिमान को बचाने के लिए सीमा पर दिन रात मेहनत करते हैं, ठंड में, गर्मी में, हर मौसम में। तो दोस्तों उस झंडे को अगर आप कहीं कूड़े कचरे में देखें, कहीं भी रोड पर देखें, नाली में देखें, तो कम से कम उसे अगर हम लोग कहीं रख नहीं सकते तो उसे हम ऐसी जगह पहुंचा दें कि कम से कम वो किसी को दिखे नहीं। और अगर हमने वो झंडा खरीदा है तो हम उसे घर पर लाकर अपने बुकशेल्फ में, अपने आलमारी में, अपने दीवारों पर सजा सकते हैं। और कहीं रखने की जगह नहीं है तो हम उसे अपने मंदिर में भी रख सकते हैं। दोस्तों वह झंडा भी किसी देवी देवता की तरह पूजनीय है। दोस्तों 15 अगस्त या 26 जनवरी के आते ही हम देशभक्ति गाने सुनते हैं, हमारे अंदर देशभक्ति की भावना जग जाती है और उसी दिन शाम होते होते वो देशभक्ति की भावना बहुत फीकी पड़ जाती है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? दोस्तों हम सोचते हैं कि अगर अंग्रेज रहते हमारे समय में तो हम भी लड़े होते, हमारा भी नाम शहीदों में होता। तो दोस्तों सिर्फ सीमा पर लड़ना ही देशभक्ति नहीं होता, सिर्फ सैनिक जो सीमा पर हैं वही देशभक्त नहीं है। हम भी सैनिक हैं, हम भी देशभक्त हैं और हम देश के लिए घर से भी काम कर सकते हैं। हम बिजली बचाकर देश की सेवा कर सकते हैं, राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। हम सड़कों को साफ करके, अपने गांव, मोहल्ले, कॉलोनी को साफ करके, उन पर कूड़ा न फेंक कर देश की सेवा कर सकते हैं। हम पानी बचाकर देश की सेवा कर सकते हैं। हमारे आसपास पड़ोस में जो भी असहाय गरीब भाई हमारे हैं, जो भी भारतीय हैं, जो भी हमारे नज़र में गरीब हैं, हम उनकी सेवा करके, हम उनकी सहायता करके, उन्हें एक जो उनकी बेसिक नीड्स हैं अगर हमसे हो सके तो हम उन्हें देकर राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। दोस्तों इनसे ही हमारा राष्ट्र बना है। भारत का हर एक नागरिक सैनिक है और अगर इस बात को वो समझ जाए तो हमारे देश को और ज़्यादा ऊंचाई तक जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में एक देशभक्ति नारा या देशभक्ति गीत जरूर टाइप करें, आपसे रिक्वेस्ट है। और ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को देखते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।